हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल मेथी। मेथी साग से दाल बनाएंगे, तो क्या क्या लगेगा इसमें हम लोग देख लेते हैं। ये है तूर दाल, एक कप। जैसे आप लोग जैसा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उसमें आप लोग क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैं एक कप इसमें ले है। और ये है मेथी साग, और ये है अनियन, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, और ये टमाटर और धनिया पत्ता, जस्ट ओनली फॉर डेकोरेशन। और ये है छोंक देने के लिए हम लोग काश्मीरी लाल मिर्च यूज करेंगे, और एक दो लहसुन का कलिया यूज करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेथी है मैं आप लोग को दिखा देती हूँ ये क्या करना है। हम लोग इस तरह से नहीं यूज करेंगे, इसका जो पत्ता है ये पत्ता हम लोग लेंगे और इसको हम लोग फेंक देंगे, क्योंकि दाल मेथी बना रहे हैं। आप लोग अगर सब्जी बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो फिर आप लोग थोड़ा दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं देती हूँ। तो ये है, हम लोग इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से हम लोग अलग अलग कर लेंगे, फिर हम लोग इसको कट कर लेंगे। फिर हम लोग दाल और मेथी को हल्दी और नमक के साथ इसको प्रेशर कुकर में बॉयल कर लेंगे। हाँ, अब हमने जो मेथी साग को अच्छे से कट कर लिया था, और दाल को भी अच्छे धो के हल्दी और नमक से हम लोग दे दिए थे। हल्दी और नमक अपने हिसाब से दीजिएगा। मैंने उस तरह से हम लोग एक चम्मच हम लोग नमक देते हैं। अब फिर इसको 4-5 सीटी देने के बाद, मीडियम फ्लेम में देने के बाद इसको हम लोग बंद कर दिए थे। अब इसको सब हम लोग साइड में रख दिए हैं। तब तक हम लोग क्या करेंगे, तेल में हम लोग देख सकते हैं ये गर्म होने दे दिए मस्टर्ड ऑयल। ऑब्वियसली मस्टर्ड ऑयल से आप लोगों को भी बनाना है, ये गर्म हो गया है। अब हम लोग इसमें जीरा का फोड़न देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग इसमें और कुछ नहीं, जो हम लोग लहसुन और प्याज कट करके रखे थे हम लोग उसको हम लोग दे देंगे। मिर्ची आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। लहसुन अदरक का जो आप लोग चाहे तो डाल सकते, नहीं डालते, लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप लोग जरूर इसको ट्राई कीजिए लहसुन और अदरक के साथ। अब हम लोग इसको इस तरह से अच्छे से गोल्डन होने तक और सॉफ्ट होने तक हम लोग इसको फ्राई कर देंगे। देख सकते ये मेरा दाल अच्छे से गल गया है, और ये जो अनियन है ये भी फ्राई हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको फ्लेम को स्लो कर लेंगे और हम लोग इसमें इसको डाल देंगे। अब इसको हम लोग अच्छे से चला लेंगे। आप लोग अगर ठीक चाहिए तो आप लोग पानी मत कीजिए, अगर नहीं चाहिए ठीक थोड़ा सा पतला चाहिए तो आप लोग थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि दाल पतला अच्छा नहीं लगता। और ये हम लोग मेथी दाल बना रहे हैं तो इसलिए हम लोग ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे इसमें। ये थोड़ा सा हम लोग होने देते हैं, फिर इसको हम लोग छोंक लगाएंगे ऊपर से। अब हम लोग इसको छोंक लगाने के लिए एक हम लोग इस तरह से इसको गर्म होने दिए हैं। अब हम लोग इसको मस्टर्ड ऑयल हम लोग अपने हिसाब से हम लोग दीजिएगा। मैं छोटा स्पून में हम लोग इस तरह से थोड़ा सा दे दिए हैं। अब हम लोग जीरा का फोड़न देंगे। पहले तो दिए थे इसलिए कम देंगे, थोड़ा सा लहसुन इस तरह हम लोग सब ऐसा कर लिया है, फिर हम इसको दे देंगे। बहुत आराम से कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग कश्मीरी लाल मिर्च को हम लोग इस तरह से हम लोग दे देंगे। इसी स्टेज में हम लोग थोड़ा सा धनिया पत्ता, ठीक है, हम लोग इस तरह से इसको चला देंगे। एकदम फ्लेम स्लो कर दीजिएगा, और आप लोग देखिएगा धनिया पत्ता में पानी ना हो, नहीं तो पानी रहेगा तो छिटक सकता है। चाहे तो और थोड़ा सा आप लोग लगता है तो थोड़ा सा और थोड़ा सा हम लोग ऑयल दे सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसको अगर फ्लेम का बंद कर देते हैं। अब जो मेरा दाल ये रेडी हो गया है, अब हम लोग इसको बाउल में डाल देते हैं। अब हम लोग इसमें ये छोंक इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है लहसुन और धनिया पत्ता का। ऊपर से इस तरह से आप लोग चाहे तो और थोड़ा सा दे सकते हैं। ओके, तो ये मेरा रेडी हो गया है मेथी दाल।
बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, ये बहुत हेल्दी होता है। रोटी के साथ ऑब्वियसली रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और कैसा लगा ये रेसिपी ज़रूर बताइए और कमेंट बॉक्स में। और वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।